हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम साइंस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस जो खाद्य सूक्ष्म विज्ञान टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो इस प्रकार से हैं। खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 251, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की जांच के लिए एक टेस्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 253, एलिसा का पूरा नाम क्या है? ELISA, इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट SE। क्वेश्चन नंबर 254, एड्स नामक बीमारी किस वायरस से होती है? एड्स नामक बीमारी HIV वायरस से होती है, जो कि WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स पे हम लोगों के अटैक करता है। क्वेश्चन नंबर 255, डेंगू नामक ज्वर किस वायरस से होता है? इसका उत्तर है अरबो वायरस। क्वेश्चन नंबर 256, इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है? इसका उत्तर है मिक्सो वायरस। 257, चेचक नामक रोग किस वायरस से होता है? चेचक नामक रोग वेरियोला वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 258, छोटी माता नामक बीमारी किस वायरस से होती है? इसका उत्तर है वेरिसेला। क्वेश्चन नंबर 259, खसरा किससे होता है? इसका उत्तर है मोरबीली वायरस। क्वेश्चन नंबर 260, रेबीज नामक रोग किससे होता है? इसका उत्तर है रेबडो वायरस, वायरस का नाम है रेबडो। क्वेश्चन नंबर 261, हर्पीज किससे होता है? हर्पीज से ही इसके वायरस का नाम है हर्पीज। क्वेश्चन नंबर 262, RBC और WBC का अनुपात रुधिर में कितना होता है? RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स और WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, तो 600:1, यानी इसके जो रेशियो होता है RBC का 600 होगा तो WBC का 1 होगा। कहीं कहीं पे ये 500:1 रहता है, तो वो भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 263, चिकनगुनिया किससे होता है? एडिस एजप्टी, चिकनगुनिया एडिस एजप्टी से होता है, ये जर्मन डॉक्टर जोहान विलहम ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 264, टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? इसका उत्तर है सालमोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 265, क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग, इसका उत्तर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 266, डिप्थीरिया रोग कहाँ और किससे होता है? इसका उत्तर है श्वास नली में कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से। क्वेश्चन नंबर 267, प्लेग रोग कहाँ और किससे होता है? इसका उत्तर है फेफड़ा काँप दोनों पैरों के बीच में, इसके जीवाणु का नाम होता है पाश्चुरेला पेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 268, काली खांसी किस जीवाणु द्वारा होती है? इसका उत्तर है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। क्वेश्चन नंबर 269, निमोनिया कहाँ पर तथा किस जीवाणु द्वारा होता है? इसका उत्तर है फेफड़े में डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्वेश्चन नंबर 270, कोड रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं तथा किस जीवाणु द्वारा होते हैं? इसका उत्तर है ये तंत्रिका तंत्र तथा त्वचा को प्रभावित करते हैं, और इसके जो जीवाणु का नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्वेश्चन नंबर 271, गोनोरिया कहाँ पर तथा किससे होता है?
इसका उत्तर है मूत्र मार्ग में सूजन हो जाती है और इससे जो जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। क्वेश्चन नंबर 272, डायरिया किससे होता है? इसका उत्तर है बैसिलस कोलाई। क्वेश्चन नंबर 273, सुजाक रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? इसका उत्तर है गोनोकोकस गोनोराई। क्वेश्चन नंबर 274, सिफिलिस रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? सिफिलिस रोग ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्वेश्चन नंबर 275, फाइलेरिया रोग को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है हाथी पांव। क्वेश्चन नंबर 276, फाइलेरिया रोग कैसे होता है? ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है और बेनक्रोप्टाई नामक कृमि से होता है, इसे एल्फेंटियसिस भी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।